तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडवांस टेक राजा। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप इस तरह का जो 3D टेक्स्ट इफेक्ट होता है वो आप कैसे बना सकते हैं पावर पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं पावर पॉइंट में कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन बनाना तो आज की इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ। तो ये ओपन होने के बाद ये डिफ़ॉल्ट पेज होता है, तो सिंपली आपको इसे डिलीट कर देना है। तो आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको डिलीट बटन प्रेस करना है और इसे भी आपको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से ब्लैंक हो जाएगा। तो ब्लैंक होने के बाद हम जो बनाने वाले हैं जो कि आई लव मॉम का जो लोगो है 3D में वो बनाने वाले हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर लेना है और आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है और यहाँ पे आपको बड़ा एम टाइप करना है और इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे साइज़ वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आपको 250 टाइप करना है जो कि 250 है। आप यहाँ पे टाइप कर दें और ये टाइप करने के बाद सिंपली आपको इस एम को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एरियल ब्लैक जो फॉन्ट होता है वो आपको चूज़ कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो ये आने के बाद सिंपली आप जो इसमें 3D इफेक्ट लगाएंगे तो ये टेक्स्ट में आपका 3D इफेक्ट नहीं लगेगा। तो उसके लिए सिंपली आपको इसे शेप में कन्वर्ट करना होगा। तो शेप में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे इंसर्ट पेज पे आना है और यहाँ से आपको शेप्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सबसे लास्ट में दिख रहा होगा फ्री फॉर्म एक शेप है, उसे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आता है कि आप जहाँ कहीं भी लाइन बनाना चाहते हैं आप यहाँ से इसे बना सकते हैं। तो आपको जो लाइन बनाना है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये एम है, तो आपको बिल्कुल इसी एम के साइज़ के हिसाब से आपको एक शेप क्रिएट करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे एक बार क्लिक करना है और ये देख सकते हैं यहाँ पे लाइन बन चुका है। और फिर से आपको यहाँ पे नीचे में आके आपको एक बार ऐसे क्लिक करना है, ये दूसरा लाइन बन चुका है। और इसी तरह से आपको जैसा जैसा एम यहाँ पे बना हुआ है सिंपली आपको इसे इसमें ड्रॉ करना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। और ये देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे मिलाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था और जहाँ से आप मिलाएंगे तो ये आपका एम बन के तैयार हो चुका है। तो ये एम अलग हो चुका है और ये टेक्स्ट अलग है। तो ये टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करना है। तो जैसे आप डिलीट करेंगे तो ये आपका जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो चुका है। तो ये सिर्फ आपका शेप यहाँ पर बच चुका है। तो ये शेप बनने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर, तो मैं जो इसमें लिख रहा हूँ आई लव मॉम, तो उसमें आपको 2M की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली आपको यहाँ से कंट्रोल सेलेक्ट करना है अपने कीबोर्ड में और इस एम को पकड़ के आपको कुछ इस तरह से इसका एक कॉपी बना लेना है, ला के छोड़ देना है। तो ये इसका कॉपी बन जाएगा। तो ये कॉपी बनने के बाद सिंपली आपको कुछ इस तरह से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो ये एडजस्ट होने के बाद अब इसमें ओ डालना है। तो ओ डालने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर फिर से सेव वाले ऑप्शन पर आना है। तो डोनेट का जो सेव है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, तो आपको इस सेव को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको शिफ्ट प्रेस करना है और आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है अपने डेस्कटॉप पे। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो आप अपने हिसाब से इसे छोटा बड़ा कर सकते, जहाँ भी आपको रखना हो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लें। तो ये एडजस्ट होने के बाद अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉम पूरा हो चुका है और इसमें आपको आई यहाँ पर इंटर करना होगा। तो आई इंटर करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर फिर से सेव वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से आपको राउंडेड रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और आपको कुछ इस तरह से यहाँ से पकड़ के कुछ इस तरह से अपने हिसाब से इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एक शेप बन चुका है, तो इसे पकड़ कर कुछ इस तरह से ऊपर कर लेंगे। तो आपको जहाँ कहीं भी रखना हो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से बन चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आई के ऊपर में एक डॉट भी रहता है। तो डॉट बनाने के लिए सिंपली आपको फिर से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से फ्लैग चार्ट में एक कनेक्टर शेप है जो कि आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से शिफ्ट दबा के आपको कुछ इस तरह से शेप बना लेना है। तो आप अपने हिसाब से इसे बड़ा छोटा कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लव का जो सैम्बल होता है वो ऐड करना है। तो हार्ट को ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको बेसिक शेप में एक हार्ट का जो सैम्बल होता है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इसे आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करना है और उसके बाद आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। तो आप अपने हिसाब से इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बनने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको सभी लेयर को सिलेक्ट करना है। तो आप शिफ्ट की मदद से सभी लेयर को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और ये सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा शेप आउटलाइन का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको नो आउटलाइन पे क्लिक कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से इसका आउटलाइन जो है वो रिमूव हो चुका है। तो ये सभी को आपको सिलेक्ट रहने ही देना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा ग्रुप का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ग्रुप कर लेना है सभी लेयर को। तो ग्रुप करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आप सभी लेयर को एक साथ कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो ये अभी ग्रुप हो चुका है।
तो ये ग्रुप होने के बाद अब इसमें आपको 3D इफेक्ट ऐड करना है। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे सेप इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको 3D रोटेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको 3D रोटेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्मेट सेप का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट में आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑफ एक्सिस स्टॉप, सिंपली आपको इसे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। तो ये होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे 3D फॉर्मेट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्टॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको फर्स्ट वाले जो सर्कल है उसे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे डेप्थ का एक ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली आपको डेप्थ में आपको यहाँ पे डालना है 30। तो जैसे आप 30 डालेंगे तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से हाइट इसका बढ़ चुका है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से डेप्थ डाल सकते हैं। तो डेप्थ डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे डेप्थ का जो कलर है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन दिख रहा होगा तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने हिसाब से अपना कलर चूज़ कर लेना है। जो भी आपको कलर चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो ये कलर डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे शैडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने हिसाब से शैडो भी डाल सकते हैं इसमें। तो शैडो डालने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से आपको रेड कलर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे साइज़ वाले ऑप्शन पर आके आप अपने हिसाब से इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। जितना भी आपको शैडो का साइज़ चाहिए तो आप अपने हिसाब से इसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 100 ही रखता हूँ और यहाँ से ब्लर वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आपको अपने हिसाब से ब्लर जो भी हो आप अपने हिसाब से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 50 या 60 के आसपास मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो 60 मैंने यहाँ पे रख दिया और यहाँ से आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं कि आपको शैडो का एंगल जो है वो किधर चाहिए, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 90 पे ही रखता हूँ और यहाँ से आप डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं शैडो का, जहाँ भी आप डिस्टेंस रखना चाहें जितना भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं इसे 0 ही रखता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। तो सिंपली आपको इसे यहाँ से कट कर देना है। तो ये कट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हार्ट का जो कलर है वो रेड नहीं लग रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको हार्ट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको सेव फील्ड में क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर रेड कलर सिलेक्ट करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि ये रेड हो चुका है। तो अगर आपको इन सभी का यहाँ जो ग्रीन है वो आपको डार्क चाहिए तो सिंपली आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके सभी को सिलेक्ट कर लेना है और इस तरह से आप शिफ्ट की मदद से आप डबल क्लिक करके सभी को सिलेक्ट कर ले और यहाँ से आपको सेव फील्ड में आना है और यहाँ से आप जो भी कलर यहाँ पर चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये ब्लू कलर चूज़ कर लेता हूँ जो कि मैंने थंबनेल में यूज किया है इसका। तो मैं इसी कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी कलर। और ये कलर होने के बाद सिंपली अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो हार्ट है ये कुछ ज़्यादा अंदर आपको दिख रहा होगा। तो सिंपली आपको इसे सिलेक्ट करना है और इसे भी आपको सिलेक्ट करना है और इन तीनों को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको लेफ़्ट अप डाउन एरो की जो होता है उसे आपको कुछ इस तरह से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको ये कहाँ पर चाहिए। तो आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। तो मैं इतने पर रखता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो चुका है 3D प्रेजेंटेशन। तो अगर आप इसे सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेव एस पे क्लिक करना है। और अगर आपको यहाँ पे कोई अदर फॉर्मेट में सेव करना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अदर फॉर्मेट का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डेस्कटॉप चूज़ कर लेना है। आप जहाँ कहीं भी करना चाहें कर सकते हैं। तो ये डेस्कटॉप चूज़ करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई लव मोम और यहाँ पे आपको सेव एस टाइप में क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी फॉर्मेट में सेव करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे PNG को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एवरी स्लाइड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि मेरा ये भी डेस्कटॉप एक फोल्डर बन चुका है। तो मैं आपको इसे ओपन करके भी दिखाता हूँ। तो ये ओपन करने के बाद ये देख सकते हैं कि ये मेरा भी इमेज सेव हो चुका है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसे। तो ये देख सकते हैं कि ये मेरा भी इमेज सेव हो चुका है। तो आप इसी तरह से पावर पॉइंट में 3D टेक्स्ट इफेक्ट बना सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।